गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग ये बताओ? गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताओ कैसे हो? हाउ आर यू? यस, बढ़िया। चलो ढूंढते हैं मार्केट में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कल जो ऑप्शन क्लास में थे, मैंने आपको बताया था स्ट्रैडल कब बनाना है। जो भी ऑप्शन क्लास में थे उनको मैंने बोला था स्ट्रैडल कब बनाना है, स्ट्रैंगल कब बनाना है, राइट है? इन दोनों को किस टाइम पे बनाया जाता कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। क्यों नहीं कर सकते आप? किसी में भी करो। और बता दीजिए, कल तो हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं था ना। अच्छा, एक बार और बता दीजिए। देखो अभी इस क्लास में तो बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि वो 1.5 घंटे का लेक्चर चला है और 5 मिनट में कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, अभी जब आगे चलेगा तो मैं आपको 1-2 क्लास में बता दूंगा उस पार्ट को, ठीक है, कैसे करना है। अभी चलो यहां पर चलते हैं। अब ये बताइए, कल एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। आप देखो बड़ा प्यारा कैंडल थी कि नहीं है, राइट है? और ये अपने हाई को मार्केट में ब्रेक कर चुका है। क्लोजिंग ऊपर हो गई या नहीं हो गई बताएं? क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है, इसका मतलब मार्केट ने अपने हाई को, मैंने आपको एक पॉइंट बोला है, उस पॉइंट को हमेशा याद रखना। जो भी मार्केट का डाउन है, डाउन है मार्केट को इधर 50% के ऊपर हमें लगता है कभी नहीं आएगा मार्केट, या तो 50% के ऊपर या 61% के ऊपर, इससे ऊपर ही ट्रीट करना है। यस, ये पार्ट सबकी समझ में आया या नहीं आया बताओ? ठीक है, चाहे आप कोई भी स्टॉक लो, कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स, किसी पे भी बात करो, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है और वो बहुत जरूरी है कि जब भी कभी मार्केट डाउन में आए तो जो भी रैली बनी है उसका आप सीधा 50% लगा दीजिए, राइट है? 50% के ऊपर ही आपको उसे ट्रीट करना है, नहीं तो नहीं करना। अगर नीचे ट्रीट करोगे, ये सेलर का एरिया है, ये बायर का एरिया है, आप सेलर के एरिया में बाय करने की कोशिश कर रहे हो, गलत कर रहे हो कि नहीं बताओ? यस और नो? अगर मैं सेलर एरिया में बाय कर रहा हूं तो बिल्कुल गलत कर रहा हूं, अगर मैं बायर एरिया में सेल कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, राइट है? अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, आपके पास एक पॉइंट सोचते हैं। देखो ये सारी कैंडल्स बनी हुई है, ये कैंडल अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे समझते हैं चलो, ये जो कैंडल है इसमें, ये पूरी कैंडल के अंदर, पूरे चार्ट के ऊपर आपको रेड कैंडल भी दिखाई दे रही है, ग्रीन भी दिखाई दे रही, नीचे भी रेड। एक मिनट और रिफाइन करते हैं। देखो आपके पास यहां पर 2 कैंडल है, एक कैंडल है रेड, राइट है? ये रेड कैंडल आपको रैली के ऊपर साइड भी दिखाई दे रही है, रैली के नीचे साइड भी दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है बताएं? क्यों सुविधा जी? राइट है, दिखाई दे रही है, ऊपर भी दिखाई दे रही है, नीचे भी दिखाई दे रही है, क्यों उत्तम जी? राइट है, ये भी देखो ऊपर भी दिखाई दे रही है, नीचे भी, सब जगह दिखाई दे रही है। और अगर ग्रीन कैंडल बोलता हूं तो ग्रीन कैंडल भी ऊपर दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको केवल क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो अगर मार्केट क्लाउड की सारी लाइन के ऊपर ग्रीन करे बैठा है तो राइट है, या यहां पर रेड है तो राइट है? आप बताओ, क्लाउड के सारी लाइंस के ऊपर रेड बना है, क्या ये सेलिंग का एरिया है? कोई भी बताए प्लीज। ये तो बाइंग का एरिया है, बाइंग का एरिया है, इसका मतलब यहां सेल करना सही नहीं है ना, राइट है? और अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट में सारी लाइंस के नीचे आपका एक ग्रीन कैंडल बनी है तो क्या ये बाइंग है? गलती से भी नहीं है, नहीं सर, राइट है? इसका मतलब आपको कैंडल की पोजीशन को एक बार चेक करना है कि भाई मेरी कैंडल की पोजीशन है कहां एक्चुअली, क्या वो बाइंग एरिया में है या नहीं है। अब एक पॉइंट पे यहां पर और आते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है मार्केट जो है, ध्यान से समझते रहना बस, ठीक है, मैं बोल रहा हूं सबके ऊपर, जब मैं बोलता हूं क्लाउड में सबके ऊपर तो क्लाउड के भी ऊपर होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन के भी ऊपर और बेस लाइन के ऊपर, ये होना चाहिए कि नहीं? ये क्लाउड, ये बेस लाइन और ये कन्वर्जन लाइन। अब अगर मार्केट इसके ऊपर है तो बुलिश मार्केट हुआ या नहीं हुआ बताओ? डन है। लेकिन अगर यही मार्केट यहां पर है तो बियरिश हुआ। अब मेरा एक केस है छोटा सा, जब मैं बुलिश मार्केट की बात कर रहा हूं तो जरा मेरे को बताइए, अगर मंथ में, ध्यान से समझना, मैं केवल कैंडल की पोजीशन पे आज बात कर रहा हूं, अगर मंथ में कैंडल, मंथ में कैंडल सारी लाइंस के ऊपर, सारे क्लाउड के ऊपर है तो क्या ये मंथली बुलिश है? यस और नो? मंथली बुलिश है ना, राइट है? सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मार्केट मंथ में कहां पर है, मंथ में बुलिश होना चाहिए कि नहीं बताओ? होना चाहिए,
अब अगर मैं आपसे एक पॉइंट बोलता हूं, चलो यहां पर माइक को बंद कर ले प्लीज, ठीक है, ये है क्लाउड, ये है क्लाउड, ये है आपकी बेसलाइन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये है क्लाउड और ये है आपका बीएल और इसके ऊपर है सीएल, ध्यान से समझना, ये सीएल जा रही है, राइट। अब मैंने बोला मंथ में मेरी जो कैंडल है, मंथली कैंडल जिसको नाम देते हैं, तो मंथ की कैंडल मेरी यहां ट्रेड कर रही है, इसका मतलब मंथली बहुत अच्छा बुलिश है मार्केट, मैं इसमें बाय साइड ढूंढ सकता हूं, मैं नहीं बोल रहा कि बाय साइड होगी, मैं बोल रहा हूं मैं बाय साइड ढूंढ सकता हूं, अगर मिलेगी तो मैं लूंगा, राइट है। अगर इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं आपकी जो कैंडल है वो कहां पर है, आपकी कैंडल कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रही, तो क्या ये बुलिश है, आप बताए, नहीं है ना, ये मॉडरेट बियरिश है, पॉइंट समझे, ये जो स्टॉक है ये मॉडरेट बियरिश है, राइट है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि नहीं भाई कैंडल तो बेस लाइन के भी नीचे है, तो क्या ये थोड़ा सा बियरिश है या ज्यादा बियरिश है, ज्यादा बियरिश है, राइट है। अगर मैं बोलता हूं नहीं भाई आपकी कैंडल तो यहां बैठी है, तो ये एक्स्ट्रा बियरिश है ना, पॉइंट समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट मेरा यहां पर है ऊपर, तो मैं आराम से बाय की सोच भी सकता हूं, केवल मेरे को बाय पोजीशन ढूंढनी है, अगर वो बाय पोजीशन मेरे को मिल जाती है मैं बाय कर लूंगा। लेकिन केस क्या आता है, अब ये आपका नंबर वन, अब आए नंबर टू पर, अगर मेरे को कन्वर्जन लाइन के नीचे मिल रही है तो मार्केट स्लाइटली बियरिश है, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर चला जाए, राइट है। इसको अगर चूंकि मंथ में बात कर रहा हूं तो एक या दो महीने ऊपर जाने में लग सकते हैं, मतलब आपको बाय एक दो महीने बाद मिलेगी, तब तक और कोई स्टॉक ढूंढ सकते हो, पॉइंट आया समझ में। लेकिन अगर वो आपका स्टॉक बीएल के नीचे बैठा है तब, अब बताएं, अगर आपका स्टॉक बीएल के नीचे बेस लाइन के नीचे बैठा है तब, तब तो मार्केट बियरिश है कि नहीं है, राइट है, तब तो मार्केट बियरिश है, इस समय मेरे को बाय गलती से भी नहीं करती, राइट है। मतलब बाय कब होगी, है मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश क्योंकि क्लाउड के ऊपर है, तो थोड़ा सा बुलिश है हल्का सा, लेकिन ज्यादा ज्यादा बियरिश है, कम बुलिश है। तो अब मेरे को क्या वेट करना है कि ये मार्केट भाई कम से कम बेसलाइन का सपोर्ट पकड़े या फिर आपका कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला जाए। लेकिन जब बात आती है नंबर फोर की, ये हुआ नंबर थ्री, लेकिन जब बात आई नंबर फोर की, तो यहां क्या है, यहां तो मार्केट एक्स्ट्रा बियरिश है, क्यों संदीप जी, संदीप जी, राइट, यहां तो मार्केट एक्स्ट्रा बियरिश है, यहां क्या होगा, यस, क्या मेरे को यहां पर बाय करनी है, एनीवन, क्या यहां पर बाय करनी है चार नंबर पे तो गलती से भी बाय नहीं करनी ना भाई, चार नंबर पे तो गलती से भी बाय नहीं होगी। लेकिन हमने यहां पर भी एक बाय ढूंढ के निकाली है, चार नंबर की बाय निकाली है हमने यहां पर भी, या नहीं बताओ, राइट है। तो अगर मैं यहां पर भी कोई बाय की सोचता हूं तो भी कम से कम चार नंबर की बाय मेरे को मिलनी चाहिए, तब जाके मैं कोई बाय कर सकता हूं। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि मेरी मंथ में कैंडल कहां घूम रही है, अगर ऊपर है तो ओके है, बाय ढूंढो, अगर यहां पर है तो थोड़ा सा वेट करो और इसको आराम से ऊपर जाने दो, बड़ा बुलिश मिलेगा आपको, अगर नीचे है तो कम से कम बेस लाइन के ऊपर मिनिमम जाने दो, राइट, या फिर कन्वर्जन लाइन के ऊपर अच्छा बाय मिलेगा, और यहां पर मेरे को बाय नहीं करनी और मेरे को वेट करना है चार नंबर बाय का। ये सबको क्लियर हो गया या नहीं बताए, चले आगे, यस सर, डन। अब मेरे को पता लग गया कि अब मेरा ये पार्ट क्लियर हो गया मंथ का, कि मंथ में कहां कैंडल है। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी कैंडल ऊपर है, राइट, एक पार्ट और, क्या अगर मेरी कैंडल यहां पर, अब सेलिंग पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान, माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, ठीक है, माइक को बंद कर ले प्लीज अपने अपने, राइट है। अब जरा एक पॉइंट समझना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अब की बार सेलिंग में समझा रहा हूं। आपको पता लगा कि मार्केट जो है यहां पर है, रेड कैंडल बनाए हुए, ये सेल नहीं है, राइट है, गलती से भी सेल मत करना। आपको लगेगा कि भाई मंथ में कर रहा हूं तो सेल आ जाएगी, ले सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप अगर कोई स्कैल्पर हो, छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल, तब बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको बाय सेल नहीं करना चाहिए। अब आपके पास कब होगा, जब मार्केट इस कन्वर्जन लाइन को टच करेगा या इससे नीचे चलेगा, तो आपका छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा सेल बन जाएगा। लेकिन हमें यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट रिटर्न कर सकता है, तो इसलिए अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा आप वाइसली ट्रीट करेंगे, एकदम से मतलब आंख बंद करके ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ में, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे। अगर मार्केट बेस लाइन के नीचे है तो यहां से बहुत चांस है कि मार्केट गिरेगा,
लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े बड़े बड़े टारगेट रख सकते हो, मतलब यहाँ आपको सेल नहीं करनी, यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट के साथ में, यहाँ थोड़े बड़े टारगेट, और अगर मार्केट अपने क्लाउड के नीचे आता है तो यहाँ काफी बड़े टारगेट रख सकते हो, राइट है, इस बात का ध्यान रखना। तो कम से कम मार्केट सेलिंग के लिए कन्वर्जन लाइन के नीचे मंथली में होना चाहिए, तब आप कोई सेल की वजह ढूंढोगे, करने को तो यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी तरीके हैं उसके, लेकिन कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। और अगर मार्केट ऊपर है तो मैं सोचूंगा कि मैं नहीं करूंगा सेल। तो अब हम ऐसा मान रहे हैं, अब आप सबसे पहले जाके क्या करेंगे, मंथ में ये चेक करेंगे कि भाई मेरा मार्केट है कहां पर, बाय में बुलिश है, बियरिश है, क्या है। जैसे किसी स्टॉक पे बात करते हैं, मैंने सपोज निफ्टी बोला, चलो ये निफ्टी चल रहा है, निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को अगर मैं यहां पर देखता हूं कहां चला गया, ये रहा। अगर मैं निफ्टी 50 को देखता हूं, देखो ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब अभी इस समय ग्रीन कैंडल बन के बैठी है। अगर मैं क्लाउड लगाऊंगा तो क्लाउड में कहां पर है, जरा देखें क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन और क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो बुलिश है या बियरिश, पूरा मार्केट क्या है, बुलिश या बियरिश बताएं। बुलिश बुलिश मार्केट, राइट है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मार्केट जो है वो आपके पास यहां पर रेड कैंडल बना के बैठा है, तो क्या आपको सेल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं। कोई चांस नहीं आपको सेल का। अदरवाइज आप क्या वेट करेंगे, यहां पर आप ये वेट करेंगे कि ये मैं सेल है तो मैं नेचुरली यहां पर सेल तो करूंगा नहीं, तो क्या मैं बाय करूं, बाय भी नहीं करूंगा। तो अब मेरे को क्या वेट करना है कि मार्केट मंथ में ना अपने ओपन के ऊपर चला जाए, अगर इसे जाना है तो ओपन के ऊपर चला जाए। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी इन कैंडल्स में क्या हुआ। ये मार्केट देखो यहां पर था, यहां पर आया और बैक कर गया, फिर मार्केट नीचे आया बैक कर गया, और अभी भी मार्केट एक इनडिसीजन करके बैठा है। आप अगर ध्यान दोगे कल एक दो दिन मार्केट नीचे आया और अब वापस चला गया, इसका मतलब अभी भी मार्केट बाय में है। लेकिन मार्केट कर क्या सकता है, यहां पर मार्केट कभी कभी क्या करेगा, अपनी कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, उससे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। मार्केट अगर दूर भी चला जाएगा कन्वर्जन लाइन पे वापस आएगा, जैसे पिवोट पे आता है। तो मार्केट में अब अगर यहां पर बाय है तो मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाय ढूंढनी है। अगर मैं वीक में देखता हूं तो मार्केट देखो अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर बैठा है, अगर मैं केवल इसी पॉइंट पे देख लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। मंथ में कन्वर्जन के ऊपर है, ये वीक में भी कन्वर्जन के ऊपर है, क्या डे में कन्वर्जन के ऊपर है, आप चेक करो, नहीं था, लेकिन कल आया क्या, यस कल आया था, क्या बाय मिली थी कल आपको, यस सर, पॉइंट समझ गए। अब अगर मार्केट में मंथ भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, वीक भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, डे भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, तो एक घंटा बचा है कि नहीं, अब हमारा एक घंटा बचा है, चलो जरा एक घंटे को देखते हैं। अब चूंकि सारे टाइम फ्रेम बाय में है और मार्केट ये डाउन में आ रहा है, ये डाउन में कब तक नहीं आ सकता, ये डाउन में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कम से कम इसकी कन्वर्जन लाइन के नीचे ना आ जाए। और अगर हम सिनेरियो को यहां पर एक बार और हल्का सा रिवाइज करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर सारी लाइन के ऊपर, क्लाउड के भी ऊपर सारी लाइन के ऊपर मार्केट है तो बुलिश मार्केट है, लेकिन कन्वर्जन लाइन के नीचे आए तो क्या है, ये हैवी बियरिश है या स्लाइटली बियरिश है, स्लाइटली बियरिश है ना, ऊपर जा सकता है या नहीं, आराम से यही हुआ, स्लाइटली बियरिश है, ऊपर आराम से जा सकता है और मार्केट चला गया ऊपर, राइट है। अब चूंकि ये भी मार्केट बाय में आ गया तो अब मेरे को जाना है एक घंटे में, और एक घंटे में जाके देखो क्या मार्केट बाय में आ चुका, ये देखो कल आया बाय में, मिला भाई या नहीं, मिल गया, यस सर, ठीक है। ये अभी एक पार्ट और है, जो भी फॉरेक्स वाले हैं, जो भी कृष्णा को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन हमारी चल रही है, तो उनमें अभी एंट्री मत करना कोई भी, राइट है, फॉरेक्स के अंदर एंट्री मत करना, क्योंकि हमने मार्केट को हेज किया हुआ है, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पर फॉरेक्स वाले हैं मेरे साथ, वो बता सकते हैं कि हमारा मार्केट हैज चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए अभी एंट्री मत करना। जैसी हैज हम खत्म कर देंगे, इस हैज को खत्म करने में अराउंड 20 से 30 डेज लगेंगे, राइट है। हम अपना प्रॉफिट कर चुके हैं, अंदाजन $30-40 का प्रॉफिट हमारा आ चुका है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि अभी आप नहीं आए फॉरेक्स में, आपको आना है एग्जैक्टली एक महीने बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये आप चाहे वेटिंग टाइम समझे, क्योंकि हमें मार्केट को निकालना है, हमें अपना प्रॉफिट पूरा करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे अभी। तो अभी फॉरेक्स वाले कृष्णा से कांटेक्ट ना करें, जो भी करने वाले हैं, कम से कम एक महीने बाद करना, ठीक है।
चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब अगर मार्केट में मैं किसी भी स्टॉक को देखता हूं और इसी पैरामीटर पर देखता हूं, अगर मैं निफ्टी बैंक को देखूं, चलो निफ्टी बैंक चलते हैं, निफ्टी बैंक पे चलते हैं, निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करते हैं इसी पैरामीटर पर। अगर मैं यहां से मंथ में जाता हूं तो मंथ देखो बाय बैठा हुआ, सारा कुछ बाय में राइट है। उसके बाद मैं गया और मैंने देखा वीक, वीक देखो यहां पर बाय में आया। आप चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को मार्किंग करनी चाहिए तो आप मार्किंग कर लो। मार्किंग कैसे करोगे, इसको चेक करो, मैंने कन्वर्जन लाइन को मार्क कर दिया, मार्केट नीचे रहेगा कभी बाय नहीं लेगा, मार्केट के ऊपर आना ही पड़ेगा। मतलब मार्केट देखो इस पॉइंट के ऊपर जब क्लाउड के बाहर निकला, इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया था वीक में और ये शूट हुआ, अभी भी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है राइट है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरी कन्वर्जन लाइन बे की यहां पर आ रही है और एक घंटे की कन्वर्जन लाइन कहां पर आ रही थी, ये थी। मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, यहां पर मार्केट देखो वीकली कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो जा रहा है मगर क्लाउड के बाहर नहीं निकल रहा है राइट है। और कन्वर्जन बेस लाइन भी नीचे थी, अगर आप क्लाउड समझ रहे हो तो आपके पता है कि कन्वर्जन बेस लाइन भी नीचे बैठी थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ, कन्वर्जन लाइन भी बाहर निकली और बेस लाइन भी आ गई, अब मार्केट शूट कर सकता था आराम से। तो ये मार्केट अभी शूट में है, अभी मार्केट सेल में नहीं है, तो अब हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट के बाय में जाने का राइट, वापस चलेगा तब हम बाय करेंगे इसको। क्या हम, अगर मैं सारा कुछ पैरामीटर ओके कर रहा हूं, मैंने मंथ में ओके कर लिया, वीक में ओके कर लिया, डे में ओके कर लिया, एक घंटे में ओके कर लिया, तो क्या मैं पांच मिनट में भी ओके कर सकता हूं? हाँ या ना? यस सर, क्या पांच मिनट में ओके होना चाहिए? होना चाहिए ना राइट है। तो अब जाके मैं पांच मिनट पंद्रह मिनट, इसका छोटा टाइम फ्रेम, वैसे कोशिश करो कि अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो पंद्रह मिनट का टाइम यूज करो, पांच मिनट का मत करो राइट है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट जब बाय में आएगा, छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से दिखाऊं कल, अगर मैं यहां से पांच मिनट में जाता तो यहां से बड़ी अच्छी बाय मिली होगी आपको, देखो मिली कि नहीं मिली शूट। लेकिन आप यहां पर कैसे चेक करोगे, दिक्कत क्या होगी, आप यहां पर बाय ढूंढने की कोशिश करोगे पांच मिनट में, यहां पर हो सकता है कोई गलत बाय ले लो, तो इसलिए कम से कम पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम जरूर से रखना। और आप कोशिश ये करना कि अगर एक घंटे में बाय आई है तो उसके बाद एक बार पंद्रह मिनट पे जाओ और उसके बाद अगर जाना है तो पांच पे जाओ। ये पार्ट आया समझ में? तो कम से कम पांच मिनट का टाइम हमें रखना पड़ेगा। तो मैं क्या, सॉरी पंद्रह मिनट का, तो ये पंद्रह मिनट है, तो पंद्रह मिनट में देखा जैसे इसके ऊपर चला तो शूट मिल गया मेरे को, मेरे को एंट्री कर जानी थी। यहां पर आप अगर देखना चाहो, आप सोचते हो कि नहीं कोई एन वेव बनी है, ब्रेकआउट होना है, तो इसका ब्रेकआउट पे भी बात कर सकते हो। कितने लोगों की समझ में आई ये पॉइंट बताएं? यस, कितने लोगों की समझ में आया ये पॉइंट? आ गया? यस सर। किस किस की समझ में आया पहले मेरे को ये बताओ, किस किस की समझ में आ गया यही वाला पॉइंट? हां सर, समझ गए। तो आप किसी भी स्टॉक को, ये देखो ये सारी नॉलेज पब्लिक है, हालांकि ये समझो ये कोई भी ये चीजें समझाने की कितने पैसे ले सकता था कोई, या नहीं बताओ ले सकता था? ये नॉलेज कभी पब्लिक नहीं करनी चाहिए, बोलते ही है, लेकिन ठीक है किसी को फायदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना है उससे, ठीक है, किसी के पैसे बच जाएंगे, किसी का कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट पे आते हैं, अगर मैं किसी स्टॉक की बात करता हूं, चलो कोई स्टॉक देखते हैं जो कि आज जा रहा है, चलो आज ढूंढते हैं किसी स्टॉक को, देखते हैं क्या वो बुलिश है या बेयरिश है। हाँ जी, एनटीपीसी चेक करिए। चलो एसीसी चेक करते हैं, चलो पहले एसीसी देख लेते हैं, एसीसी ऊपर जा रहा है, जरा इसको सेम पैटर्न पे आप चेक करो। अगर मंथ में देखता हूं एसीसी क्या हुआ, अभी क्या बुलिश है बेयरिश है एसीसी बताए? यस, अभी तो बेयरिश है ना, देखो राइट है, आपका क्या है मॉडरेट बेयरिश, आपका किसके ऊपर बाय में जाएगा ये बताएं, इसके ऊपर बाय है कन्वर्जन लाइन के ऊपर या नहीं? डन है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर आपकी बाय है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी बड़ी अच्छी बाय बनती है। तो अब अगर मैं इसके छोटे, और मार्केट पूरा बुलिश होगा, देखो मंथली बुलिश है मार्केट इसके ऊपर राइट है, तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा पार्ट करना है कि अब जाके छोटे टाइम फ्रेम में आप अपनी बाय ढूंढनी है, छोटे टाइम फ्रेम में बाय ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा और ये कैंडल भी कवर हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर वीक, एक मिनट माइक बंद कर ले प्लीज, कोई भी माइक बंद कर ले अपना, माइक प्लीज बंद कर ले अपना, क्लास का वीरेन जी
वीरेन जी माइक को बंद करें, ठीक है। एक्चुअली क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा डिस्ट्रेक्शन हो जाता है, एक बार समझिए, फिर लेक्चर देना पड़ता है खामखा। ये बात समझिए कि हम जिस टॉपिक पर चल रहे होते हैं, ध्यान से समझिए प्लीज, हम जिस टॉपिक पर चल रहे होते हैं, मेरे दिमाग में समझाने के लिए कई सारी चीजें होती है कि नहीं होती, बताओ? कई सारी चीजों के पॉइंट मैं आपको समझा रहा होता हूं, और उस टाइम पर आप ये सोचो, मेरी मेरे यहां से कोई आवाजें आती है? प्लीज बताओ मेरे को, आप लोग बताओ, क्या मेरे यहां से कोई आवाजें आती है? किसी की आवाज मेरे ऑफिस में से आती है आप लोगों को? प्लीज आप लोग बताओ, कोई भी बताओ। क्यों तयन जी, सुदीप्ता जी, आज तक मेरी ऑफिस से आवाज आई आपको? नहीं आई ना? अगर मैं बोलता हूं मैं दो मिनट के लिए रुक रहा हूं, तो मेरा माइक बंद होता है कि नहीं होता? यस, कभी आपने सुना मेरा माइक ही खुला रहे? खुला नहीं रहेगा, मेरा माइक बंद होगा, मैं तब जाऊंगा कहीं पर भी जाऊंगा। तो इसलिए आपकी साइड से क्या होना है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या आपका कोई काम है, तो प्लीज माइक को ऑफ कर दें। आपके पास है म्यूट बटन, आप म्यूट करके आराम से बात करें, मेरी आवाज तो सुनाई देगी ना आपको? यस, अगर मैं अपनी साइड से म्यूट करता हूं तो बताएं आपकी आवाज मेरे को सुनाई देगी? मेरी तो नहीं जाएगी, म्यूट का यही तो फंक्शन होता है। तो आप अगर कहीं पर बात कर रहे हैं या आपका कोई किसी से बात चल रही है, तो अपनी साइड से आप माइक को म्यूट कर दो, ये तो कर ही सकते हो। बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे ना, बाकी जितने लोग हैं, सबसे बड़ा चलो डिस्टर्ब का भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि जब हम यहां पर कुछ समझा रहे होते हैं और वहां पर हमें वहां से आवाजें आती हैं, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो जो पीछे के थॉट होते हैं ना, पीछे के सारे थॉट, वो बिल्कुल पंछी बन के उड़ जाते हैं, समझे? पंछी बन के उड़ जाते हैं सारे, फिर पूरा पीछे खाली, फिर हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी हमारे टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा डिस्कशन के बाद टॉपिक ही चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें पूछना पड़ता है हम कहां थे, ऐसा भी होता है कभी कभी। इसलिए बस आपको कोशिश ये करें कि जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पर आप अपने माइक को, किससे बात कर रहे हो माइक को बस म्यूट कर दो, इतना ही तो करना है, कोई बहुत भारी काम थोड़े ना, राइट है। चलो वापस डे पे आते हैं, डे आपका क्या कर रहा है, यहां पर से दोबारा से चेक करो जरा, मंथ में मार्केट बाय में आया नहीं है अभी, ACC आने वाला है, राइट है, आने वाला है, अभी आया नहीं है, मैं इसकी बाय ढूंढने वाला हूं, मैं इसकी बाय ढूंढूंगा तो मैं जाऊंगा वीक पर, और वीक में जाके देखूंगा क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, अभी नहीं आया, मेरा मार्केट बाय इसके ऊपर आई है, पॉइंट के ऊपर मार्केट यहां बेस लाइन के ऊपर जाएगा, कन्वर्जन लाइन, इसका मतलब ACC जब दोनों के ऊपर जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा बाय देगा, इस वीक में मार्केट को क्लोज कर जाना चाहिए। अब अगर मैं डे टाइम फ्रेम में जाता हूं, डे टाइम फ्रेम में ACC की बाय बनने के लिए रेडी हो रही है, अगर आप यहां पर देखोगे ACC की बाय बनने के लिए रेडी हो रही है, चार नंबर का बाय आ चुका है, ये मार्केट क्लाउड के यहां से ऊपर नहीं चलेगा, हो सकता है एक दो दिन और ले, और फिर रेड क्लाउड से मार्केट ऊपर निकल सकता है आराम से। ये आपका जो चीका उस पेन है, ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने अभी नहीं करेगी, अभी करेगी तो मार्केट को दिक्कत होगा कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने में, ये कन्वर्जन लाइन एक या दो दिन में क्रॉस करेगी, तो हो सकता है एक दो दिन यहां स्पेंड कर लेंगे, तो अभी थोड़ा सा रुक जाए इसे बाय करने से, एक या दो दिन स्पेंड करने दे, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा इसकी CNC बन जाएगी या इंट्राडे भी बन जाएगा, आप दोनों कर सकते हो। हाँ जी, एक मिनट यहाँ पर देखो, मार्केट ऑलरेडी आपको एक घंटे में बाय दे चुका है, लेकिन किस वेव के ऊपर बाय है आपकी, इस बात को भी समझना है, मेरी किस वेव के ऊपर बाय है, मैं अगर देखूंगा तो मेरी वेव देखो, ये मार्केट चार घंटे में बाय पकड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है, बाय बाहर आने वाली है, लेकिन कोशिश ये करना कि एक कैंडल ना कम से कम चार घंटे की एक कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज दे दे, उसके बाद आप बाय करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, बाय तो आनी है तो कुछ क्वांटिटी बाय कर लो थोड़ी सी, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो बाकी क्वांटिटी कुछ अपनी बाय कर लेना, मतलब एवरेजिंग कर लेना, ये करना, ये मार्केट अभी इससे निकल के शूट करेगा, इससे तेजी से ऊपर चल सकता है, इंट्राडे हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, एक SL के साथ में इंट्राडे कर लो, मतलब अगर यहां आता है तो आपका SL कम से कम यहां रहेगा इसके नीचे, तो यहां से SL के साथ में आप कर लो, ज्यादा पॉइंट तो मेरे ख्याल से शायद नहीं होंगे अगर मैं सही हूं तो। अच्छा ये बताओ, आपका 2500 का स्टॉक है, इसके लिए SL कितना होना चाहिए, कोई भी बता दे, CNC के लिए जल्दी से कितने पॉइंट, मिनिमम 50 कम से कम 70 से 80 पॉइंट CNC के लिए, राइट है, आपका 1000 रुपए के स्टॉक पे या 500 रुपए के स्टॉक पे कितना होना चाहिए, 30 पॉइंट CNC का,
मैं इंट्राडे नहीं बात कर रहा हूं, मैं सीएनसी की बात कर रहा हूं। सीएनसी में 30 पॉइंट 500 रुपए के स्टॉक के लिए, अगर 1500 का स्टॉक है तो इसके लिए कम से कम 50 पॉइंट बनते हैं। अगर 2500 का स्टॉक है तो कम से कम उसके लिए 70 पॉइंट के आसपास आपके बनते हैं। अगर आपको लगता है 3000-4000 का स्टॉक है तो उसके लिए कम से कम 100 पॉइंट बनते हैं सीएनसी में। हमें लगता है बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है। आपको सीएनसी के अंदर वो ऐसा लेना है जो कटे ना जल्दी से, राइट है। देखो ये बाहर निकलने वाला है, आपको बाय देगा एसीसी बड़ा अच्छा, ठीक है। तो इसकी कॉल पे काम कर सकते हो, फ्यूचर में का फ्यूचर बहुत अच्छा रह सकता है इसका, लेकिन सोच समझ के लेना। ऐसा नहीं कि बोला ले लिया, आप अपने पैरामीटर को चेक करके तब लेना, ठीक है। तो ये आपका एक बाइंग पॉइंट है इसका। दूसरा कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं? एक मिनट, कौन सा? टीबीजेड, मंथली ब्रेकआउट हो रहा है सर, टीबीजेड। चलो इसको देखते हैं, राइट, इसको देखते हैं। इसके बाद एनटीपीसी भी जरा एक बार देख लीजिएगा। बिल्कुल, देखो एक बार समझो, एक मिनट, एक बार समझो जरा। ये जो आपका टीबीजेड है, ये कैसी कैंडल बना के बैठा बताओ? मारू बजो कैंडल बना के बैठा है। और कहां पर बैठा है ध्यान से चेक करो, ये रैली के अप साइड में बना के बैठा है, तो क्या गड़बड़ होने वाली है? प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसमें। यहाँ एंट्री मत करो, है मार्केट बाय में, लेकिन यहाँ एंट्री मत करो, इसे रिट्रेस करने दो। मोस्ट प्रोबेबली आपका रिट्रेस करेगा क्योंकि ऊपर से बाय करोगे मार्केट नीचे आएगा, खामा का नुकसान देगा, ठीक है। अगर आप रेडी हो कि हाँ भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 100-150 पॉइंट से, भाई लगभग 250 का स्टॉक है, अगर आप बोलते हो सर कोई बात नहीं 100 तक मैं ले सकता हूँ आराम से, तो ले लो, कोई फर्क नहीं। ऐसी जगह आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो मारुबोजो कैंडल्स होती है ना, कभी कभी शूट भी कर जाती है, तो आप अगर आपको लगता है कभी कभी होता है ये, राइट है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो। अगर वैसे तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है करने की, लेकिन आपको बोलते हो कि नहीं छोड़ना है मैंने, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी बाय कर सकते हो। यानी मैं करने वाला था 100, क्या आप यहां से 10 क्वांटिटी बाय करके छोड़ सकते हो? छोड़ दो, राइट है। मार्केट अगर नीचे आएगा कहीं पर भी नहीं, यहां से अगर ऊपर जाएगा तो 10 के हिसाब से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर नीचे आ गया तो यहां से कुछ ज्यादा क्वांटिटी लगभग 50 के आसपास सपोर्ट पे बाय कर लो, डन है। तो इसको मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसे बाय करो, जबकि दिख रहा है बाय, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि ये बाय आएगा, थोड़ा सा ये रिट्रेस करेगा मार्केट, ठीक है।